केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाने के बाद क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके तहत ही उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी, उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, वो तैयारी भी करेंगे और दाव भी करेंगे, लेकिन हमने उनके दावे की हवा निकालने का काम किया। हम बद्रीनाथ जीते, बद्रीनाथ में भी मंत्रियों की तैनातगी थी, संगठन भी जो है ग्रास रूट पर काम करने का दाव कर रहा था, लेकिन वहाँ हवा निकली। मंगलौर में हमने उनकी हवा निकालने का काम। केदारनाथ के अंदर जो स्थितियाँ हैं वो एकदम इतर हैं। केदारनाथ में आप देखिए, जो चारधाम यात्रा थी, चारधाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल थी, और उसके साथ साथ केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कुकृत्य जो है सरकार ने किया है। लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के, जो है सोने का प्रकरण जो है केदारनाथ में, उस विषय पर भी जो है सरकार मौन धारण किए हुए हैं। ये विषय जो है केदारनाथ की जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जो केदारनाथ के आम जन के बीच में जाएंगे। और लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है।